शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुखम प्रदाति विनाशाय दीपज्योति नमस्ते दीपज्योति प्रदीप करोति कल्याणम आरोग्यम सुखम प्रदाति विनाशाय दीपज्योति नमस्ते दीपज्योति प्रदीपाय आत्मज्योति नमस्ते या गुंदे दुपसारी हार दवला या स्वेति पद्माशनम या ब्रह्मा चतुशंकरा पदेवेशला वंदितम सरस्वती भगवती नीशेषजाजम्पहं शुक्लमजारदारवर्णं याभिजगद्याभि ॐ नमो सच्चिदानन्दरूपाय परमात्मने ज्योतिर्मया स्वरूपाय विश्वमङ्गलमूरते प्रगति पञ्चभूतानीन्द्रालोका सरस्वता सर्वेषं सदा कुर्वन्तु मङ्गलम् रत्ना कदापि धोति पदं हिमालय कीर्तिनिमालय मह्यो सह्यो देवात्मा हिमालय चतुर्वेदा पुराणानि सकोचम्पति सर्वदः मंगलायतनो हरि नित्य पुष्टं करिष्यामि ईश्वरी सर्वभूतानां तां सर्वदा गंधं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि पत्रादल पुष्पम समर्पयामि पत्र हो गया इसका पत्रादल पुष्पम समर्पयामि धूप दीपम दर्शयामि धूप दीपम दर्शयामि कनाद भैरवाय नमः पाद्युर पाद्युर हस्तिवर्यम मुखे आत्मीयम समर्पयामि गंध द्वारा दुरादिष्टम नित्य पुष्टम करिष्यामि ईश्वरी सर्वभूतानां तां सर्वदा गंधम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि पत्रादल पुष्पम समर्पयामि पत्रादल पुष्पम समर्पयामि धूपदीपं दर्शयामि नैवेद्यमिष्टान्नं समर्पयामि नैवेद्यान्ते पुनर्जलात्मीनं समर्पयामि हरि ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ पयः पृथिव्यां पयः खदीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोराराटमसि विष्णो सम्पत्रेषु विष्णो शूरसि वैष्णवमसि विष्णुवेव ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशवुनस्तुजायते वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रवणगणाधिपते नमो नमः हरि ॐ 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था और इसके तहत उन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर के अपने 72 अनुयायियों के साथ और आज़ादी की योगदान में उनका क्या योगदान रहा है आज स्वतंत्रता संग्राम में उसके बारे में जो डिटेल है वो हमें एकत्रित करनी थी वो विद्यालय स्तर पे भी लगेगी और एक जो है वो सूचना आगे अधिकारियों को भी दी जाएगी। योजना ये है कि उनके गाँव से पंचायत स्तर पे ग्राम स्तर पे कार्यक्रम है उनके गाँव से मिट्टी एक कलश यात्रा मिट्टी कलश यात्रा निकाल जाएगी जिसमें क्या होगा कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनके गाँव की उनको कलशों में भर करके दिल्ली पहुंचाया जाएगा। दिल्ली कर्तव्य पथ पे वहाँ पे सभी मतलब सभी शहीदों के जितने भी स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे हैं उनके गाँव की मिट्टी से वहाँ पे एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी। यानी हम देख सकते पूरे पूरे देश के कोने कोने से मिट्टी आएगी ठीक है तो कितनी पवित्र मिट्टी वो होगी तो उससे अमृत वाटिका बनाई जाएगी। अमृत वाटिका क्या हो जाएगी इससे क्या होगा कि हमारे आने आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं इन लगाव जुड़ता है। मान लीजिए ने दिया है श्री क्या था स्वर्गीय श्री भगवान सिंह जी सनक श्री अमर सिंह जी ठीक है ग्राम रैगाम है। इनका जन्म 28 अगस्त 1912 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई
18 मार्च 1962 में इनका आज़ादी में योगदान मिला है कि आज़ाद हिंद फौज सेना में ये शामिल थे। सभी को पता है आज़ाद हिंद फौज सेना इसका गठन किसने किया था, भाषण बहुत लेकिन जनरल थे है ना, मोहन जोशी ठीक है, ये उसके जो संस्थापक सदस्यों में रहे थे। और इसने भी जो है लास्ट में अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर फौज ने इतना दबाव पैदा किया था कि लास्ट में उन्हें भारत छोड़ने का फैसला लेना ही पड़ा था। ठीक है, तो इस फौज में शामिल रहे। अब मान लीजिए जब यहाँ के रहगांव से जो मिट्टी वहाँ अमृत वाटिका में जाएगी तो रहगांव का कोई भी बच्चा जब अंग्रेजी घूमने जाएगा तो इसके लगाव उसको होगा कि इस वाटिका में मेरे गाँव की भी मिट्टी आ रही है। तो मिट्टी से ही जुड़ाव होना चाहिए और सभी को रहा जो जितना महान रहा जो भी इतिहास में उसका अपनी मिट्टी से उतना ही ज़्यादा लगाव रहा है। ठीक है, सिकंदर की बारे में ही कहा जाता है कि पैदा कहाँ हुआ, जब वो मरा तो उसने केवल यही कहा था कि कोई जो है मेरी सारी दौलत संपत्ति ले ले लेकिन मुझे मेरी मातृभूमि पहुँचा दी, जहाँ से मैं पैदा हुआ, जहाँ पैदा हुआ मुझे वहाँ उससे लगाव होता है। तो हर कालखंड में ऐसा रहा है, प्रत्येक तक हमको भी नहीं पता था, पता चल गया है। ठीक है, जो कार्य होंगे हम यहाँ पर विद्यालय में उसको संशोधित करके रखेंगे ताकि आगे आने वाले जो बच्चे होंगे तो ठीक है वो कमी डाला गया था। केवल एक ही रहगांव से ही सूचना आई, बाकी और किसी गांव से नहीं आई है। तो आप पता करना, ऐसे नहीं है बहुत सारे रहे होंगे लेकिन हमने उनकी खोज नहीं की है इसलिए हमको नहीं पता, इसीलिए उनको गुमनाम कहा गया है। तो उनके नामों को प्रकाश में लाने का एक पहल है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। इसके बाद दूसरा जो आइडिया है, आइडिया ऑफ 75, यानी ऐसे विचार जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाया, आज तक हम जहाँ तक पहुँचे हैं इसी को आगे बढ़ाने का। ठीक है, ऐसी जो कोशिशें रही हैं। माइक बजा रहे, माइक सही कर, वॉल्यूम सही करा उसको। आजादी की गाथा गाकर खूब सुनाएंगे, आजादी का अमृत महोत्सव मिलकर आज मनाएंगे, अंग्रेजों से हमने भी सीना तान लड़ी लड़ाई, फांसी के फंदे पर लटके और सीने पर गोली खाई, गांधी सुभाष भगत सिंह की कुर्बानी मिलकर याद करेंगे, वीर शिवाजी मंगल पांडे की जवानी को याद करेंगे, नेहरू और सरदार पटेल की आज हम गुण गाएंगे, लेकर हाथ में तिरंगा आजादी का जश्न मनाएंगे। थैंक यू। विद्वान शिक्षक साथी एवं शिक्षक बहने और कार्यालय कर्मचारी और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं और इसकी शुरुआत आपको खंडवाल जी ने दे दी है, फिर भी थोड़ा छोटा छोटा मैं अभी आपको बता देता हूँ कि 12 मार्च 2021 से इसकी शुरुआत की गई और इसका समापन जो होना है इसी महीने अगस्त में, यानी जो हमारी लास्ट डेट होगी उस तक जो है इसे समापन होना है। तो इसका जो उद्देश्य यह था कि हम अपने आसपास नज़दीक में जो भी शहीद लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी माटी के लिए बलिदान दिया है उन सभी को हम याद करें। देखो बड़े बड़े लोगों को तो सभी जानते हैं लेकिन ऐसे लोग जो हमारे आसपास के हैं, तो जैसे आज हमने भी एक स्वतंत्रता सेनानी जी का नाम पता चला है, आज तक हम भी नहीं जानते थे। तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ये आज़ाद हिंद फौज में थे, स्वर्गीय श्री भवान सिंह जी, ये सनाफ श्री अमर सिंह जी और ये ग्राम रहगांव के थे। तो आपको भी जानकर के बड़ी खुशी हो रही होगी कि ये जो है हमारे आसपास के लोग हैं लेकिन हम इन्हें जान नहीं रहे। तो ऐसा होता है कि हम मकान तो बनाते हैं, मकान की बाहर की सोच तो सबको दिखाई देती है लेकिन नींव की ईंटों का किसी को पता नहीं होता है। तो हमें अपनी नींव को भी जानना है, इसीलिए जो है इस प्रकार का ये अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, मेरा माटी मेरा देश। देखिए हमेशा से जो लड़ाई होती रही है या वो हमेशा से जो है माटी के पीछे होती रही है और हमारा देश कई साल गुलाम रहा है, इसके पीछे यही रहा कि बाहर की शक्तियों ने आकर के हमें तोड़ करके छिन्न भिन्न कर दिया था।
तो जब आदमी में एकता नहीं रहती है तो एकता नहीं होने के कारण जो है उसका कोई भी जो है विनाश कर सकता है, क्योंकि सब अपने अपने मुंह के होंगे तो उसमें अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे और एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे। और जब हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो वो काम सफल होगा ही नहीं। सफल कब होगा? जब हम सब एक साथ मिलकर के काम करेंगे। तो इसका उद्देश्य भी यही है कि हम सब जो है अपने वीर शहीदों को याद करें जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, और इनके नक्शे कदम पर हम भी चलें ताकि हम भी इनसे सीखें और हमारा नाम भी ऐसे ही आता रहे। तो मैं आप लोग बच्चों से अनुरोध करता हूं कि सब लोग अपने अंदर अच्छे विचार अच्छे गुणों को भरें, क्योंकि बेटा हमेशा जो है अच्छाई की ही जीत होती है। और भजन नहीं सुना रहा, उसमें जो माता यशोदा होती है वो पूछती है कन्हैया से कि घर में तो इतनी सारी चीजें हैं तो माखनी क्यों खाता है, ठीक है? तो वो जवाब उसका इस तरह से होता है कि माखन में माँ शब्द छुपा है, ठीक है ना, इसीलिए मोहे भायो। और माँ सभी को प्रेम सबको अच्छी लगती है ना, अपनी माँ को डाकन कोई बताता है नहीं बताता ना, सब अच्छी रहती है, सबकी माँ अच्छी होती है। तो माटी में भी माँ शब्द छुपा हुआ है ना, तो इसीलिए इससे सभी को लगाव होता है। एक प्रसंग आता है कि जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो जब वो अपने अयोध्या से बस अयोध्या की सीमा से निकल ही रहे थे तो उन्होंने क्या किया था, अपने अयोध्या की मिट्टी को अपने जो गमछा था कपड़ा था उसमें रखा और बाकी के 14 वर्ष तक वो अपनी मिट्टी की पूजा करते थे। और जब पूछा गया उनसे, लक्ष्मण ने पूछा, भैया क्या कर रही हो, कपड़े गंदे हो जाएंगे, खाली मिट्टी ले जा रहे हो, तब उन्होंने कहा था कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी जो हमारी माता और जन्म भूमि जहाँ पे हमने जन्म लिया यानी मिट्टी, ठीक है, इनका जो स्थान है वो कहाँ है, स्वर्ग से भी ऊंचा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि जो हमारे आराध्य देव हैं, जो हमारे आदर्श हैं श्री राम, उन्होंने भी मिट्टी का वंदन किया, उन्होंने भी मिट्टी को पूजा है, ठीक है, इससे लगाव रखा है। तो सीधे हाथ में, हाँ, राइट हैंड सीधा जिसे खाना खा, हाथ में रखो ऐसे, ठीक है, ऊपर आ जाओ मैडम, भट जी ऊपर आ जाओ, सीधा ही ऐसे ही रहेंगे, सीधा ही ऐसे रहेंगे। मैं दीक्षित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करूंगा। मैं इस देश के हर कोने से काम मानसिकता को मिटाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपने देश की महान विरासत पर गर्व करूंगा तथा इसे संजोकर रखूंगा। मैं अपने देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा। मैं इस देश के नागरिक होने के कर्तव्य का पालन करूंगा। जय हिंद। कार्यक्रम समाप्त हुआ। इसके पश्चात ये मिट्टी नीचे नहीं रखेंगे और क्या करेंगे, हम लाइन से जाते रहेंगे और ये जो कलश है इस घड़े में मिट्टी को डालते जाएंगे। अब आपने प्रतिज्ञा ली है, हम इसे उचित माध्यम से आगे कोशिश करेंगे कि हमारे दिल्ली पहुंचे, ठीक है? नहीं, अभी पहले प्रतिज्ञा करते हैं। इसके बाद वो खेत के पास देखिए जी को बोलो, देखिए जी प्रतिज्ञा करते हैं। Thank you.
लेना। क्या नीचे? अच्छा चेहरा नहीं लेना, नीचे चेहरा लेना साथ में। हाथ को खड़ी पे लगाओ तब चेहरा और हाथ फोटो खींच यार, ये क्योंकि ग्रुप में जो का जो कार्यक्रम है 15 अगस्त वाले दिन से तैयारी वाले हैं, तो सारे बच्चे कहाँ मिलेंगे? हॉल में मिलेंगे, ठीक है? वहाँ पर आज और 14 तारीख करेगा तो वो ब्लॉग बनाने के चक्कर में ब्लॉग बनाएंगे इधर से आओ, इधर वहाँ मिट्टी डालो उसको बाहर से, बाहर से जाओ आराम से डालो। चलो अगली क्लास सात वाले लड़के चलो काम मिलता है ना, हम 20-11 में काम मिल जाएगा।